स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं की तरफ आज आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारी हम लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह जाना था कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, अर्थात व्यवसाय में, या ऐसा कहें कि किसी भी कार्य में, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना, किसी भी वर्कशॉप में कार्य करने वाले श्रमिक या कर्मचारी के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निकाले गए या लगाए गए मापदंड ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहलाते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसकी महत्ता क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है किसी वर्कशॉप या किसी फैक्ट्री या किसी कार्यशाला, उस स्थल पर इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। जब भी कोई भी व्यवसाय होता है या कोई कार्यस्थल होता है तो वहाँ पे काम करने वाले श्रमिक या कर्मचारी ढेर सारे अंतःक्रियाओं से निहित होते हैं, अर्थात वहाँ पे उनको मशीनों या वहाँ पे कार्य करने वाले दूसरे कर्मचारियों या प्रबंधन या ऐसे ऐसे टूल्स या मशीन जिनके साथ कि उनको निरंतर अपना कार्य करना होता है, उनके साथ जुड़े रहना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति उन कार्यों को करेगा और उनसे फिर उसे कोई दुर्घटना हो जाए या कोई हानि हो जाए, तो उनसे बचाव के लिए ही हम इम्पॉर्टेंस इसका समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को वहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अपने कार्य को ज़्यादा महत्ता देता है और दिन भर में, ऐसा कहें कि दिन के 8 घंटे कोई भी कर्मचारी किसी फैक्ट्री या कारखाने में कार्य करता है, तो इस दौरान अगर वह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंतर्गत होकर के कार्य करेगा तो निरंतर फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा। या ऐसा कहें कि जब उसको रोजाना यही कार्य करना है तो क्यों ना उस स्थान पे स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस स्तर को बढ़ाया जाए ताकि उसके स्वास्थ्य पे कोई भी हानिकारक प्रभाव ना पड़े। तो इसके अर्थ को यही समझते हैं कि कर्मचारी को कार्य करने के दौरान किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और इन परेशानियों को अगर वह परेशानी कभी हो भी जाती है या किसी कारणवश मशीनों के कारण या किसी कर्मचारी के कारण या प्रबंधन के कारण कोई भी परेशानी हो भी जाती है तो उन परेशानी को दूर करना ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कार्य होता है। प्रतिदिन होने वाले कुछ जोखिमों को हम लोग समझते हैं। अर्थात कार्यस्थल पर जब कर्मचारी कार्य करता है तो पूरे विश्व में जितने भी कर्मचारी हैं उनको कुछ विशेष परेशानियों से, या ऐसा कहें कि कुछ कॉमन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और अगर इनका ध्यान ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी द्वारा ना रखा जाए तो उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले है धूल गन, फिर गैस, फिर शोरगुल, फिर कंपन और अत्यधिक तापमान। ये सब ऐसे कारक हैं जिनसे कि हर कर्मचारी को रोज गुजरना होता है और इनसे खुद को बचाव भी करना होता है। तो सबसे पहला है धूल कण। तो कार्यस्थल पर ढेर सारे धूल कण मौजूद रहते हैं और वो सांस के द्वारा कर्मचारी के अंदर जा सकते हैं, तो उन्हें ऐसे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए और ऐसे सुरक्षा उपकरण देने चाहिए जिनसे कि वो धूल कण कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आए, जैसे कि मास्क या फेस शील्ड। इससे धूल कण कर्मचारी के अंदर नहीं जाएंगे और वह वहां पे एक अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्य कर सकेगा। फिर है गैस। हानिकारक गैसों का जो है वहाँ उत्सर्जन होता रहता है, कोई भी कार्यस्थल पर हानिकारक गैसें निकलती रहती है, तो उस दौरान उन्हें ऐसे मास्क या ऐसे शील्ड का प्रयोग करना चाहिए जिनसे कि हानिकारक गैसों का उसके अंदर समावेश ना हो सके।
तो कर्मचारियों को इन 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 सारी सुविधाओं को देनी चाहिए जिनसे कि वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दूर हो सके। तीसरा है शोरगुल, क्योंकि शोरगुल कंपनी में जितने भी मशीनें होती हैं या कारखानों में जितने भी मशीनें कार्य करते हैं, जो भी टूल्स का यूज़ होता है, तो उनसे शोरगुल होता है, ढेर सारी ध्वनि प्रदूषण होती है। तो उनसे बचाव के लिए ईयर प्लग वगैरह या जो भी वैसा उपकरण जिनसे कि अपने कानों को सुरक्षित रखा जा सके, तो ये देना चाहिए। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी यह कार्य है कि वो ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों को उपलब्ध कराती है। और अगर किसी संस्था में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ जो नियोक्ता होते हैं वो या प्रबंधन होते हैं, वो अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इनमें से है कंपन, तो वाइब्रेशन भी हमारे शरीर को कुछ हद तक नुकसान जरूर पहुँचाता है। तो मशीनों या बड़ी बड़ी वैसे स्वचालित मशीनें जिनसे कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के स्वास्थ्य पे हानि कहीं ना कहीं जरूर पहुंचाती है। फिर है अत्यधिक तापमान, क्योंकि कार्यस्थल पर मशीनों का जो है काम होता है, वहाँ पे ढेर सारे लोग होते हैं, तो वहाँ का तापमान बढ़ा हुआ रहता है। तो उस दौरान ऐसे सुविधाएँ जैसे ब्लो एयर वगैरह या कूल एयर ब्लो ऐसे लगाए जाते हैं जिनसे कि वहाँ पे तापमान नॉर्मल हो सके। तो ये एक कॉमन समस्या है, इसको एक ऐसा जोखिम कह सकते हैं जिससे कि हर कर्मचारी को गुजरना पड़ता है, परंतु इनके होते हुए भी उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, तो ऐसी सुविधाओं को वहाँ पे देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में। व्यवसाय खतरे, अर्थात व्यवसाय में या उस कार्यस्थल पर कर्मचारियों को या श्रमिकों को जिन जिन भी व्यवसाय संबंधित खतरों का सामना करना पड़ता है, उन्हें ही हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड या व्यवसायिक खतरा कह सकते हैं। अर्थात कार्यस्थल पर होने वाले परेशानी या कार्यस्थल पर होने वाले दुर्घटनाओं में जो कारक उत्पन्न होते हैं, उन्हीं कारकों को हम लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। इनमें आते हैं एर्गोनॉमिकल हैजार्ड्स, दूसरा है फिजिकल हैजार्ड, फिर है केमिकल हैजार्ड, फिर है बायोलॉजिकल हैजार्ड, नेक्स्ट है साइकोसोशल हैजार्ड्स, फिर है रेडिएशन हैजार्ड्स, नेक्स्ट है मैकेनिकल हैजार्ड्स, फिर है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, नेक्स्ट है वाइब्रोएकॉस्टिक हैजार्ड्स, नेक्स्ट है थर्मल हैजार्ड्स, तो ये सारे हैजार्ड्स
या ऐसा कहें कि ये सारे खतरे व्यावसायिक स्थल पर या ऐसा कहें कि कारखाना पे ये सारे खतरे उत्पन्न होते हैं, और इनसे बचाव के लिए हमें तरीके जानने चाहिए या इनसे बचाव के लिए हमें उपाय करने चाहिए। तो इन सारे तरीकों से बचने के बाद ही कोई व्यक्ति या कोई श्रमिक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएगा या ऐसा कहें कि वह फिर व्यवसाय में इन खतरों से सुरक्षित हो पाएगा। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन हैजार्ड्स को दूर करता है और इनमें सुधार करते हुए अपने श्रमिक को या ऐसा कहें कि कर्मचारी को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करता है। तो आज हमने जाना कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का इम्पोर्टेंस क्या है और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हैजार्ड्स या ऐसा कहें इन सारे खतरों को डिटेल से मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।